हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अखिल और आज के इस वीडियो में हम प्रॉफिट एंड लॉस से पार्ट 5 करेंगे। इसमें हम क्वेश्चन नंबर 61 से स्टार्ट करेंगे क्योंकि 61 से पहले जितने भी क्वेश्चन हैं वो हमने पिछली वाली वीडियोस में कवर कर लिया है। तो स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। देखो, इसमें पहला क्वेश्चन क्या दिया है। मनोज ने दो रेडियो 6400 में खरीदे। उसने एक रेडियो को 25% लाभ पर तथा दूसरे रेडियो को 25% हानि पर बेच दिया। यदि दोनों रेडियो के विक्रय मूल्य समान हो तो प्रत्येक रेडियो का विक्रय मूल्य कितना होगा, ये हमें निकालना है। अब देखो, स्टार्टिंग में हमें क्या दिया है कि मनोज ने दो रेडियो 6400 में खरीदे, यानी दो रेडियो का जो कॉस्ट प्राइस होगा वो कितना हो जाएगा, वो 6400 रुपये हो जाएगा। आगे दिया है उसने एक रेडियो को 25% लाभ पर। अब देखो, मान लीजिए कि उसने वो रेडियो 100 रुपये में खरीदा, ठीक है, जो पहला रेडियो है वो 100 रुपये में खरीदा, तो बेचा कितने में होगा, क्योंकि 25% का लाभ हो रहा है यानी 125 में बेचा होगा, ठीक। इसी प्रकार से आगे दिया है दूसरे को 25% हानि पर बेच दिया, यानी दूसरे को भी मैं मानता हूँ कि मान लीजिए उसने दूसरे रेडियो को भी 100 रुपये में खरीदा, तो बेचा कितना होगा, 25% की हानि यानी 75 में बेचा होगा, तो ये हमने मान लिया। अब देखो, इसको मैं और छोटा कर सकता हूँ, तो इनका अनुपात निकाल दो, यहाँ पे इसको 25 से काट दो, यहाँ पे होगा 4, यहाँ पे होगा 5, यानी ये हो जाएगा 4:5। 4:5 का मतलब कॉस्ट प्राइस अगर 4 होगी तो सेलिंग प्राइस 5 होगी, ठीक। इसी प्रकार से यहाँ पे भी रेशियो निकाल दो, तो 25 से काटेंगे, यहाँ पे होगा 4 और यहाँ पे होगा 3, तो ये भी हो जाएगा 4:3। यानी जो दूसरा रेडियो है उसको अगर 4 रुपये में खरीदा होगा तो 3 रुपये में बेचा होगा। अब देखो, इसमें हमें दिया है कि यदि दोनों रेडियो के विक्रय मूल्य समान हो, यानी सेलिंग प्राइस समान होनी चाहिए। देखो, इसमें सेलिंग प्राइस 5 रुपये है, इसमें सेलिंग प्राइस 3 रुपये है, तो सबसे पहले मुझे इन दोनों को समान करना होगा। तो कैसे करूंगा, देखो, अगर मैं इसको 3 से गुणा करता हूँ, ठीक है, इसको 3 से गुणा करता हूँ और इसको मैं 5 से गुणा करता हूँ, तो क्या हो जाएगा, 5 × 3 = 15, यहाँ पे हो जाएगा 15, अनुपात यहाँ पे होगा 3×12, ठीक है, और इसको भी गुणा कर दो तो यहाँ पे हो जाएगा 5 × 3 = 15 और ये हो जाएगा 5×20। तो अब हमने क्या कर दिया, दोनों की जो सेलिंग प्राइसेस हैं वो सेम कर दी। तो अब मैं देखो, ये चीज़ जो है ये कॉस्ट प्राइस है और ये सेलिंग प्राइस है। अब देखो, दोनों रेडियो का एक साथ निकालो, क्योंकि इसमें हमें दोनों रेडियो की जो कॉस्ट प्राइस है वो एक साथ दी है, तो इनको जोड़ दो तो कितना हो जाएगा, ये 2, 2 और 1 3, यानी जो दोनों रेडियो की जो कॉस्ट प्राइस है वो कितनी है, टोटल 32 रुपये है, ठीक है। तो सेलिंग प्राइस कितनी हो जाएगी, 15 और 15 30, सेलिंग प्राइस हो जाएगी 30। तो कॉस्ट प्राइस हमने दोनों की निकाल दी 32 रुपये है और सेलिंग प्राइस हमने दोनों की निकाल दी 30 रुपये है। देखो, हमने दोनों रेडियो की कॉस्ट प्राइस तो 32 रुपये निकाली, बट इसमें हमें कॉस्ट प्राइस 6400 रुपये दी है। इसका मतलब 32 की वैल्यू किसके बराबर होगी, 6400 के बराबर होगी, ठीक है। तो मैं 1 की वैल्यू यहाँ से निकाल सकता हूँ, 1 की वैल्यू किसके बराबर होगी, 32 से इसको काटेंगे तो यहाँ पे होगा 2, यानी ये टोटल हो जाएगा 200 के बराबर। तो 1 की वैल्यू मैंने 200 के बराबर निकाली। मुझे क्या निकालना है, प्रत्येक का विक्रय मूल्य निकालना है, प्रत्येक यानी 1 का विक्रय मूल्य मुझे निकालना होगा। तो 1 का कितना है, 1 का है 15, तो देखो 1 की वैल्यू 200 के बराबर, तो 15 की वैल्यू किसके बराबर होगी, इसको मैं 15 से गुणा कर दूंगा, ठीक है। तो 15 से गुणा कर दो, कितना हो जाएगा, 15 बराबर होगा 15 × 30, यानी 3000 के बराबर हो जाएगा। इसका मतलब कौन सा हमारा आंसर होगा, डी वाला हमारा आंसर होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब देखो, इसमें अगला क्वेश्चन क्या दिया है। एक व्यक्ति ने कोई वस्तु खरीदकर इसे 10% हानि पर बेच दिया। यदि वह इसे 20% कम में खरीदता तथा 55 रुपये अधिक में बेचता तो उसे 40% का लाभ होता। तो इस वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, ये मुझे निकालना है। देखो, स्टार्टिंग में दिया है कि एक व्यक्ति ने कोई वस्तु खरीदकर इसे 10% हानि पर बेच दिया, यानी अगर उसने उसको 100% में खरीदा होगा, ठीक है, अगर कॉस्ट प्राइस 100% होगी तो सेलिंग प्राइस कितनी होगी, सेलिंग प्राइस 90% होगी। आगे दिया है यदि वह इसे 20% कम में खरीदता, तो देखो पहले तो 100% में खरीद रहा था, अब 20% कम का मतलब 100 में माइनस कर देंगे तो अब कॉस्ट प्राइस कितनी हो जाएगी, 100 में 20 कम कर देंगे तो अब कॉस्ट प्राइस हो जाएगी 80%, तथा 55 रुपये अधिक में बेचता तो उसे 40% का लाभ होता। अब देखो, यहाँ से मुझे दो सेलिंग प्राइस मिलेंगी, एक तो ये मुझे यहाँ से मिलेगी और एक यहाँ से मिलेगी, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ से निकाल लेते हैं। तो इसमें दिया है कि अगर 20% कम में खरीदता तथा 55 रुपये अधिक में बेचता, देखो पहले कितने में बेच रहा था, वो 90% में बेच रहा था, अब कितने में बेचेगा, 55 रुपये अधिक का मतलब इसमें 55 रुपये ऐड कर देंगे, तो ये पहले हमने सेलिंग प्राइस निकाल दी। अब दूसरी सेलिंग प्राइस मुझे यहाँ से मिलेगी कि 40% का लाभ होता, यानी प्रॉफिट को क्या करते हैं, 100 में ऐड करते हैं, तो क्या करेंगे हम, 140/100 कर देंगे। तो मुझे सेलिंग प्राइस निकालने के लिए मैं इसका डायरेक्ट क्या निकालूंगा, 140% निकाल दूंगा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 80% का 140% निकाल दो, कितना होगा, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 14 8 कितना होता है, 112, ठीक है, यानी 112% हो जाएगा।
अब देखो दो सेलिंग प्राइस मैंने निकाल दी, ये भी बाद वाली सेलिंग प्राइस है, ये भी बाद वाली सेलिंग प्राइस है। इसका मतलब मैं इनको आपस में बराबर कर सकता हूँ, ठीक है। यानी 112% की वैल्यू किसके बराबर होगी, 90% प्लस 55 के बराबर। एक तरीका तो ये है, और दूसरा तरीका क्या है, देखो पहले सेलिंग प्राइस कितनी थी, पहले सेलिंग प्राइस थी 90%। अब जब हमने दूसरी सेलिंग प्राइस निकाली तो दूसरी सेलिंग प्राइस कितनी आई हमारी, 112% आई। और इसमें दिया है कि 55 रुपये अधिक में बेचता, और अधिक और कम के लिए हमेशा क्या करते हैं, हम दोनों संख्याओं का डिफरेंस लेते हैं। तो 90 और 112 का डिफरेंस करेंगे तो कितने का आएगा, 22% का डिफरेंस आएगा, यानी 22% की वैल्यू होगी 55 के बराबर। और अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो 90 को इधर लेके आऊँगा तो कितना हो जाएगा, इसमें से ये माइनस करना पड़ेगा, तो यहाँ से भी कितना हो रहा है, 22% बराबर हो रहा है 55, ठीक है। यानी यहाँ से भी 22% ही हो रहा है। मुझे किसकी वैल्यू निकालनी है, इस वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा, कॉस्ट प्राइस कितना माना है मैंने, 100% माना है, यानी मुझे 100% की वैल्यू निकालनी होगी। तो कैसे निकालेंगे, देखो सबसे पहले तो इसको मैं 11 से काट सकता हूँ, 11 दूनी 22, 11 पंजे 55, तो इसको नीचे लेके आओ तो 1% बराबर होगा 5/2। तो 100 की वैल्यू निकालनी है तो 100 से गुणा कर देंगे, यहाँ भी 100 से गुणा कर दो तो कितना हो जाएगा, 100% बराबर हो जाएगा, इससे ये कैंसिल कर दो, यहाँ पे होगा 50, तो 5 बजे 25 यानी 250 के बराबर हो जाएगा। इसका मतलब कौन सा हमारा आंसर होगा, सी वाला हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हम इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। अब देखो इसमें अगला क्वेश्चन क्या दिया है, किसी वस्तु को 8,000 में बेचने पर, बेचने का मतलब जो सेलिंग प्राइस है वो हमें दी है कितना है, 8,000 रुपये। आगे दिया है बेचने पर क्रय मूल्य के 1/5 भाग के बराबर हानि होती है। देखो क्रय मूल्य का मतलब कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस का 1/5, तो इसका 1/5 कर दो, 1/5 के बराबर हानि होती है, यानी लॉस किसके बराबर होता है, इसके बराबर हो जाता है, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है, इस वस्तु का क्रय मूल्य हमें निकालना है। अब देखो मैं इसको इधर गुणा करूंगा तो कितना हो जाएगा, CP × 1 = होगा 5 × लॉस, ठीक है। तो कॉस्ट प्राइस इस पे आएगा और लॉस इस पे आएगा, यानी कॉस्ट प्राइस होगा 5 और लॉस होगा 1 का। इसका मतलब अगर कॉस्ट प्राइस 5 है तो लॉस 1 का होगा। अब देखो हमें सेलिंग प्राइस दी है तो मैं यहाँ से सेलिंग प्राइस निकाल सकता हूँ। तो सेलिंग प्राइस कैसे निकालते हैं, कॉस्ट प्राइस माइनस लॉस, तो 5 में से 1 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो हमने सेलिंग प्राइस निकाली 4, बट इसमें दिया है जो सेलिंग प्राइस है वो 8,000 है, यानी 4 की वैल्यू 8,000 के बराबर हो जाएगी। तो 1 की वैल्यू निकाल दो, 1 की वैल्यू किसके बराबर होगी, 2,000 के बराबर। मुझे क्या निकालना है, कॉस्ट प्राइस निकालनी है, तो कॉस्ट प्राइस की वैल्यू किसके बराबर है, 5 के बराबर है, तो मैं 5 से गुणा कर दूंगा दोनों साइड, ठीक। तो 5 की वैल्यू किसके बराबर होगी, 10,000 के बराबर होगी। इसका मतलब कौन सा हमारा आंसर होगा, सी वाला हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हम इसको भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक। इसी प्रकार से देखो इसमें अगला क्वेश्चन क्या दिया है, दो साइकिलें समान मूल्य पर बेची जाती हैं, इसमें से पहली साइकिल 20% लाभ पर तथा दूसरी साइकिल 20% हानि पर बेची जाती है। अब देखो पहली साइकिल 20% लाभ पर बेची जाती है, यानी अगर कॉस्ट प्राइस 100 रुपये होगा तो सेलिंग प्राइस कितना होगा, 20% लाभ का मतलब सेलिंग प्राइस 120 होगा। तो इसको मैं मान लेता हूँ कॉस्ट प्राइस और इसको मानता हूँ सेलिंग प्राइस। तो मैं अगर इनका अनुपात निकालूंगा तो इसको 20 से काट सकते हैं, तो यहाँ पे होगा 5 और यहाँ पे होगा 6, यानी कॉस्ट प्राइस अगर 5 होगा तो सेलिंग प्राइस 6 हो जाएगा, ठीक है। ये कॉस्ट प्राइस है, ये सेलिंग प्राइस है। आगे दिया है तथा दूसरी साइकिल 20% हानि पर बेची जाती है। 20% हानि का मतलब अगर 100 में खरीदी होगी तो 80 में बेची होगी, तो इसका भी क्या निकाल दो, अनुपात निकाल दो, तो ये होगा 5:4। तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं 5:4, ये कॉस्ट प्राइस है, ये सेलिंग प्राइस है। और हमें स्टार्टिंग में ये दिया है कि दोनों साइकिलों का जो सेलिंग प्राइस है वो आपस में क्या है, समान है। तो सबसे पहले तो मुझे ये दोनों आपस में बराबर करने होंगे, तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, अगर मैं इसको 4 से गुणा करता हूँ और इसको मैं 6 से गुणा करता हूँ तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 5×20 और 6×24, और यहाँ पे 6 से गुणा करते हो तो 6×24 और 6×5 30। अब देखो सेलिंग प्राइस हमने दोनों कंडीशन में बराबर कर दी, तो हम क्या निकालेंगे, दोनों का अगर मैं कॉस्ट प्राइस निकालूं, यानी पहली साइकिल का और दूसरा साइकिल को जोड़ के कॉस्ट प्राइस निकालूं तो कितना हो जाएगा, इनको जोड़ेंगे तो 3 और 2 5, यानी कॉस्ट प्राइस कितनी हो जाएगी, कॉस्ट प्राइस हो जाएगी 50, और सेलिंग प्राइस कितनी होगी, सेलिंग प्राइस के लिए इनको जोड़ेंगे तो 24 और 24 कितना हो जाएगा, 48। यानी अगर कॉस्ट प्राइस 50 होगी तो सेलिंग प्राइस होगी 48। और हमें दिया है कि इससे कुल 18 रुपये की हानि होती है, हानि का मतलब कमी होती है, और कमी और वृद्धि के लिए क्या करते हैं, दोनों संख्याओं का डिफरेंस लेते हैं, ठीक है। तो इन दोनों का डिफरेंस कितने के बराबर आ रहा है, 2 के बराबर आ रहा है, यानी 2 की वैल्यू किसके बराबर होगी, 2 की वैल्यू होगी 18 के बराबर। तो 1 की वैल्यू हो जाएगी 9 के बराबर,
ठीक, क्राय मूल्य क्या क्या होंगे ये हमें निकालना है। देखो एक की वैल्यू मैंने निकाल दी 9 के बराबर, तो कॉस्ट प्राइसेस क्या क्या है उनकी, देखो एक की है 20 और एक की है 30, क्योंकि यही हमने माना है। तो मुझे 20 और 30 की वैल्यू निकालनी है। ठीक, तो एक की वैल्यू 9 के बराबर, तो 20 की वैल्यू किसके बराबर होगी, इसको मैं 9 से गुणा करूंगा। ठीक, इसी प्रकार से 30 के लिए इसको भी 9 से गुणा करूंगा, तो कितनी हो गई, 9 दुनी 18 यानी 180, और यहाँ पर 9 ती 27 यानी 270। इसका मतलब पहले का मूल्य होगा 180 रुपये और दूसरे का मूल्य होगा 270 रुपये। इसका मतलब कौन सा हमारा आंसर होगा, ए वाला हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब देखो इसमें अगला क्वेश्चन क्या दिया है, एक घड़ी को 20% लाभ पर बेचा जाता है। तो मान लीजिए कॉस्ट प्राइस में क्या मानता हूँ, 100% मानता हूँ। ठीक है, तो सेलिंग प्राइस कितनी हो जाएगी, सेलिंग प्राइस 120% हो जाएगी। आगे दिया है, यदि घड़ी के क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य में से प्रत्येक को 100 रुपये कम कर दिया जाए। अब देखो इसमें से भी मुझे 100 रुपये कम करना है, तो अब जो नई कॉस्ट प्राइस होगी वो कितनी होगी, 100% माइनस 100, और इसमें से भी मुझे 100 रुपये कम करना है, तो नई सेलिंग प्राइस कितनी हो जाएगी, 120% माइनस 100 रुपये। तो क्या होता है उस कंडीशन में, तो लाभ 5% कम हो जाता है। देखो पहले लाभ कितना था, 20% था, अब 5% कम हो गया, तो लाभ कितना हो जाएगा, अब जो प्रॉफिट होगा वो 15% ही होगा। तो घड़ी का प्रारंभिक मूल्य क्या है ये हमें निकालना है, यानी मुझे किसकी वैल्यू निकालनी होगी, 100% की वैल्यू निकालनी होगी। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, अब देखो जो प्रॉफिट है वो हमेशा कॉस्ट प्राइस पे निकाला जाता है, तो क्या करूंगा मैं, यहाँ से कॉस्ट प्राइस का अगर मैं 15% लाभ का मतलब 100 में ऐड करते हैं, तो 115% में निकालूंगा इसका, कॉस्ट प्राइस का अगर मैं 115% निकालूंगा तो हमारी सेलिंग प्राइस निकल जाएगी, और सेलिंग प्राइस की वैल्यू मुझे दी है इसके बराबर है, यानी इसको मैं आपस में बराबर कर सकता हूँ, तो कितना हो जाएगा ये, 100% माइनस 100 × 115/100 बराबर होगा 120% माइनस 100। अब क्या कर दो, देखो अब मैं अगर इसको 20 से काटूंगा तो सारे नंबर काटने पड़ेंगे, तो इसको काटूंगा मैं 20 से, तो यहाँ पे होगा 5, यहाँ पे भी होगा 5, यहाँ पे होगा 6 और यहाँ पे होगा 5। ठीक है, तो सबको मैंने क्या कर दिया, 20 से काट दिया। अब देखो इसको मैं 5 से काट सकता हूँ, तो यहाँ पे होगा 20 और यहाँ पे होगा 23, तो इसका गुणा यहाँ करेंगे और इसका गुणा यहाँ कर देंगे, तो इसका और इसका गुणा करेंगे सबसे पहले, तो कितना हो जाएगा, 5 × 23 कितना होता है, 115, तो ये हो जाएगा 115%। माइनस इसका भी गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 115 बराबर, 20 का गुणा इसके साथ में करेंगे तो 6 × 12 ये होगा 120%। ठीक है, माइनस ये कितना होगा, 5 × 10, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये 5 × 10 का मतलब 100 हो जाएगा। अब मैं इसको इधर लेके आऊंगा, तो 120 में से 115 माइनस करेंगे तो 5% बराबर हो जाएगा, इसको मैं इधर लेके आऊंगा तो ये कितना हो जाएगा, 115 में से 100 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा -15। ठीक, तो 1% की वैल्यू हम निकालेंगे किसके बराबर होगा, ये होगा -3 के बराबर। अब देखो फिर इसको, अब देखो मुझे 100% की वैल्यू निकालनी है, तो दोनों साइड 100 से गुणा कर देंगे तो किसके बराबर होगा, ये 300 के बराबर होगा। देखो इसमें एक छोटी सी मिस्टेक हो रखी है, यहाँ पे 5% कम नहीं बल्कि यहाँ पे होगा 5% अधिक, तो उस कंडीशन में कितना हो जाएगा, देखो पहले था प्रॉफिट जो पहले था वो 20% था, अब प्रॉफिट कितना हो जाएगा, इसमें 20 में ऐड करेंगे क्योंकि अधिक हो रहा है, तो यहाँ पे हो जाएगा 15% के बजाय यहाँ पे होगा 25%। ठीक है, तो ये जो 115 है तो ये 125 हो जाएगा। ठीक, इसी प्रकार से यहाँ पे भी 125 होगा, तो अब मैं क्या करूंगा, देखो इसको मैं 25 से काट सकता हूँ, तो यहाँ पे होगा 2500 और यहाँ पे होगा 25 × 125, तो मुझे 5 का गुणा करना होगा इनके साथ में, तो इसका गुणा यहाँ करेंगे तो 4 का गुणा करना होगा इसके साथ में, तो कितना हो जाएगा, 5 × 25% माइनस 5 × 25, ठीक है बराबर हो जाएगा 6 × 24, 24% और माइनस में 5 × 20, तो यहाँ पर 20 हो जाएगा। अब मैं इसको इधर लेके आऊंगा, तो 25 में से 24 माइनस करेंगे तो 1% बराबर, ये माइनस इधर लेके आऊंगा तो ये प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे माइनस है और ये प्लस है, तो यहाँ पे होगा 5। ठीक है, क्योंकि माइनस करेंगे दोनों को, तो मुझे 100% की वैल्यू निकालनी है, तो दोनों साइड 100 से गुणा करूंगा मैं, तो कितना हो जाएगा, 100% बराबर होगा 500 के। इसका मतलब कौन सा हमारा आंसर होगा, बी वाला हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। अब देखो इसमें अगला क्वेश्चन क्या दिया है,
एक फर्नीचर विक्रेता ने 720 की दर से दो कुर्सियां बेची। उनमें से एक कुर्सी पर 20% लाभ तथा दूसरी कुर्सी पर 20% की हानि हुई। इस सौदे में कितने प्रतिशत का लाभ अथवा हानि हुआ ये हमें निकालना है। अब देखो इस टाइप के दो प्रकार से क्वेश्चन बन सकते हैं। देखो एक होगा सेलिंग प्राइस वाला और एक होगा कॉस्ट प्राइस वाला। यानी पहले टाइप के क्वेश्चन में हमें ऐसे दिया होगा कि दोनों वस्तुओं की सेलिंग प्राइस बराबर है, और दूसरे प्रकार का जो क्वेश्चन होगा उसमें ऐसे दिया होगा कि दोनों वस्तुओं की कॉस्ट प्राइस बराबर है। जैसे इसमें दिया है कि 720 रुपये की दर से, दर का मतलब एक का मूल्य है 720 रुपये, और इसमें बेचने का मतलब है सेलिंग प्राइस इसमें बराबर है, दोनों कुर्सियों की सेलिंग प्राइस इसमें बराबर है। और आगे उसमें दिया होगा कि उतने का ही लाभ होता है और उतने की ही हानि होती है। जैसे इसमें 20% का लाभ हो रहा है और 20% की ही हानि हो रही है, तो उस कंडीशन में क्या करेंगे हम? देखो अगर हमें सेलिंग प्राइस के लिए दिया होगा तो सेलिंग प्राइस के लिए क्या करेंगे हम, एक छोटा सा फॉर्मूला आपको याद रखना होगा। फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर अपॉन 100, जहाँ पे जो एक्स की वैल्यू होगी वो प्रतिशत में जो वैल्यू हमें दी होगी उसके बराबर होगी। जैसे इसमें 20 दिया है तो यहाँ पे 20 हो जाएगा। या अगर आपको ऐसे याद नहीं रखना है तो आपको एक चीज़ ये याद रखनी होगी कि जो दोनों परसेंट हमें दिए हैं दोनों परसेंट को आपस में गुणा कर दो और भाग कर दो 100 से। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी होगी। ठीक, और कॉस्ट प्राइस के लिए क्या होता है? कॉस्ट प्राइस के लिए उस कंडीशन में होता है नो प्रॉफिट नो लॉस। ठीक है, अगर यहाँ पे हमें कॉस्ट प्राइस दी होती, देखो यहाँ पे तो सेलिंग प्राइस हमें दिया है कि सेलिंग प्राइस बराबर है, बट अगर हमें ऐसे दिया होगा कि कॉस्ट प्राइस बराबर है तो उस कंडीशन में ये वाला हमारा आंसर होता, बट इसमें हमें सेलिंग प्राइस दी है तो उस कंडीशन में हम इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे। तो क्या होता है, देखो एक्स स्क्वायर अपॉन 100 का मतलब 20 × 20/100, तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे तो 2 दूनी कितना होगा 4। ठीक है, और इस कंडीशन में हमेशा ही लॉस होता है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि हमेशा ही जितना प्रतिशत हमारा आएगा हमेशा ही लॉस होगा। तो कितने का लॉस हो रहा है? 4% का लॉस हो रहा है। यानी कौन सा हमारा आंसर होगा? बी वाला हमारा आंसर होगा। या परसेंटेज में भी हमने इस टाइप के क्वेश्चन करे हैं। देखो फॉर्मूला क्या होता था कि इफेक्ट परसेंट बराबर होता था एक्स प्लस वाई अपॉन 100। ठीक है, जहाँ पे x होगा पहला प्रतिशत, देखो पहला परसेंट है 20 तो यहाँ पे पहला परसेंट निकाल दिया। y की वैल्यू दूसरा प्रतिशत, देखो दूसरा प्रतिशत क्या है, दूसरा भी 20% है, इसमें हानि हो रही है तो हानि के लिए माइनस करते हैं, तो x और y की वैल्यू यहाँ पे रख देंगे। तो प्लस में 20 माइनस में 20, प्लस x की वैल्यू है प्लस में 20 और y की वैल्यू है माइनस में 20 अपॉन में 100, तो कितना हो जाएगा? देखो इससे ये कैंसिल हो जाएगा। अब 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर देंगे तो 2 दूनी कितना होगा 4, वो भी माइनस में, तो माइनस का मतलब हानि हो रही है 4% की। ठीक है, तो इस प्रकार से दो टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं। पहले टाइप में सेलिंग प्राइस बराबर होगी, अगर सेलिंग प्राइस बराबर होगी तो ये वाला फॉर्मूला यूज होगा, और दूसरे टाइप में कॉस्ट प्राइस बराबर होगी, और कॉस्ट प्राइस अगर बराबर होगी तो उस कंडीशन में ना तो लाभ होगा ना हानि होगी, तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। तो अब देखो इसमें अगला क्वेश्चन क्या दिया है। एक व्यक्ति 75 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से कुछ चावल खरीदता है, इसमें से 10% खराब हो जाता है, शेष चावल वह किस भाव से बेचे कि उसे 20% का लाभ हो। अब देखो मैं मान लेता हूँ कि मान लीजिए उसने टोटल 100 किलोग्राम चावल खरीदे और एक का मूल्य मुझे दिया है कि 75 रुपये है, तो 100 का कितने हो जाएगा? 100 का हो जाएगा 75 × 100, तो ये टोटल की क्या हो जाएगी? ये टोटल कॉस्ट प्राइस हो जाएगी। यानी 100 किलोग्राम की कॉस्ट प्राइस हमने निकाल दी, किसके बराबर होगी? 75 100 के बराबर होगी। अब देखो हमें इसमें दिया है कि उसको 20% का लाभ होना चाहिए, तो इसका सीधे 120% निकाल दो, यानी उसकी जो सेलिंग प्राइस है वो इसके बराबर होनी चाहिए, टोटल सेलिंग प्राइस इसके बराबर होनी चाहिए, तब उसको 20% का लाभ होगा। बट इसमें हमें ये भी दिया है कि इसमें से 10% चावल खराब हो जाते हैं। अब देखो जो 100 किलोग्राम चावल थे वो बेचने थे उसको इतने में, तब उसको 20% का लाभ होगा, बट इसमें 10% चावल अगर खराब हो जाते हैं तो बचेंगे कितने? इसका 90% निकाल दो। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 90 किलोग्राम। यानी मुझे 90 किलोग्राम चावल इतने में बेचने होंगे, इतने में बेचने होंगे तभी मुझे 20% का लाभ होगा। तो उस कंडीशन में मुझे क्या निकालना है? मुझे प्रति किलोग्राम की वैल्यू निकालनी है, यानी 1 किलोग्राम की वैल्यू निकालनी है। तो कैसे निकालूंगा? देखो 90 किलोग्राम की वैल्यू इसके बराबर है तो इसको मैं क्या करूंगा, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल करूंगा, तो यहाँ पे होगा 75 × 120। तो मुझे 1 किलोग्राम की वैल्यू निकालनी है तो 90 को नीचे लेके आऊँगा। ठीक है, तो 1 किलोग्राम की वैल्यू निकल आएगी, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा। फिर इसको 3 से काट दो, यहाँ पे होगा 3, यहाँ पे होगा 4, 3 से दोबारा इसको काट दो, यहाँ पे होगा 3 × 2 = 6, 3 × 5 = 15, तो 2500 को कितना होगा? 100। यानी जब वो चावल को 100 रुपये प्रति किलोग्राम बेचेगा तभी उसको 20% का लाभ होगा।
यानी कौन सा हमारा आंसर होगा, सी वाला हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, तो इस प्रकार से हम इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। अब देखो इसमें अगला क्वेश्चन क्या दिया है, एक कुकर 16% लाभ पर बेचा गया, यदि इसे 20 रुपए अधिक में बेचा जाता तो लाभ 20% होता, तो कुकर का क्रय मूल्य कितना है ये हमें निकालना है। अब देखो उसको पहली कंडीशन में तो 16% का प्रॉफिट हो रहा है, 16 यानी 100 में ऐड करेंगे तो 116% हो जाएगा, और दूसरी कंडीशन में उसको 20% का प्रॉफिट हो रहा है तो 100 में ऐड करेंगे तो 120% हो जाएगा, और हमें दिया है 20% अधिक, और अधिक और कम के लिए हमेशा दोनों संख्याओं का डिफरेंस लेते हैं, तो डिफरेंस कितने का आ रहा है 4% का, यानी 4% की वैल्यू होगी 20 के बराबर। ठीक है, मुझे क्या निकालना है, कॉस्ट प्राइस निकालनी है, यानी मुझे 100% की वैल्यू निकालनी है, तो मैं इसको नीचे लेके आऊँगा, तो 1% बराबर होगा 20/4, और 100 के लिए गुणा कर दूंगा मैं 100 से, तो 4 से इसको काट दो, यहाँ पे होगा 5, और 100 का गुणा करेंगे यानी 500 हमारा आंसर हो जाएगा। इसका मतलब कौन सा हमारा आंसर होगा, सी वाला हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखो इसमें अगला क्वेश्चन क्या दिया है, एक व्यक्ति ने एक टीवी सेट 9400 में बेचा, इससे उसे कुछ हानि हुई, उसने दूसरा टीवी सेट 10600 में बेचा, इस बार उसका लाभ पिछली हानि से दोगुना था, तो एक टीवी सेट का क्रय मूल्य कितना है ये हमें निकालना है। अब देखो इसमें स्टार्टिंग में क्या दिया है, जो एक टीवी सेट है उसका सेलिंग प्राइस हमें दिया है कितना है 9400, और जो दूसरा टीवी सेट है उसका भी सेलिंग प्राइस हमें दिया है कितना है 10600, और इसमें दिया है कि उसका जो लाभ होता है वो हानि से दोगुना है, जो प्रॉफिट है वो लॉस का क्या है, लॉस से दोगुना है, तो दोगुना कर दो, यानी इसकी वैल्यू इसके बराबर हो जाएगी, और मुझे किसकी वैल्यू निकालनी है, मुझे क्रय मूल्य निकालना है, कॉस्ट प्राइस निकालनी है, तो कॉस्ट प्राइस में मान लेता हूँ, मान लीजिए कॉस्ट प्राइस एक्स है, तो मेरे पास कॉस्ट प्राइस भी है और सेलिंग प्राइस भी है, तो मैं प्रॉफिट और लॉस निकाल सकता हूँ, तो प्रॉफिट और लॉस की वैल्यू निकाल के मैं यहाँ पे रख दूंगा। तो सबसे पहले मुझे स्टार्टिंग में ये दिया है कि जब वो 9400 में किसी वस्तु को बेचता है तो उस कंडीशन में उसको हानि होती है, तो लॉस कैसे निकालेंगे, देखो पहली कंडीशन में हमें कॉस्ट प्राइस पता है, कॉस्ट प्राइस एक्स है और सेलिंग प्राइस भी पता है 9400 है, तो लॉस कैसे निकालेंगे, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, यानी एक्स माइनस 9400, तो ये हमने लॉस निकाल दिया। इसी प्रकार से हम प्रॉफिट भी निकाल सकते हैं, तो प्रॉफिट के लिए क्या करते हैं, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, तो सेलिंग प्राइस है इस बार हमारे पास 10600 और कॉस्ट प्राइस है एक्स, क्योंकि जब वो 10600 में दूसरी टीवी बेचता है तब उसको प्रॉफिट होता है। ठीक, तो ये हमने लॉस भी निकाल दिया और प्रॉफिट भी निकाल दिया, तो अब मैं वैल्यू यहाँ पे रख दूंगा, प्रॉफिट कितना है 10600 माइनस एक्स, और लॉस कितना है एक्स माइनस 9400 इंटू, यहाँ पे 2 है तो 2 कर देंगे, अब मैं 2 से गुणा करूँगा तो यहाँ पे हो जाएगा 2x माइनस 4 × 8 और 9 × 2 = 18, अब x को मैं इधर लेके आऊँगा तो ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 3x बराबर, इसको इधर लेके आऊँगा तो ये माइनस है ये भी प्लस हो जाएगा, तो इसको जोड़ेंगे तो कितना होगा 0 0 8 और 6 14 को 4, 8 और 1 9 और 1 और 1 2, अब मैं x की वैल्यू निकालूंगा तो कितना होगा 9 × 3 = 27 और 8 × 3 = 24, और साथ में 2 जीरो हैं तो 2 जीरो लगा दो, यानी कॉस्ट प्राइस कितनी हो जाएगी 9800 कॉस्ट प्राइस हो जाएगी। इसका मतलब कौन सा हमारा आंसर होगा, ए वाला हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। अब देखो इसमें अगला क्वेश्चन क्या दिया है, एक व्यक्ति 2 वस्तुएं 99 रुपए प्रति वस्तु की दर से बेचता है, उसे एक पर 10% का लाभ तथा दूसरे पर 10% की हानि होती है, तो कुल दोनों वस्तुओं पर उसे क्या होता है, लाभ होता है हानि होती है, ये हमें निकालना है। तो मैंने आपको पहले ही बताया है कि जब भी 2 वस्तुओं की जो सेलिंग प्राइस है वो सेम होगी और लाभ तथा हानि भी बराबर होगी, तो उस कंडीशन में हमेशा ही हानि होती है। कितने प्रतिशत की हानि होती है उसको निकालने के लिए हम क्या करते हैं, एक छोटे से फॉर्मूले का यूज़ करते हैं, x²/100। तो x की वैल्यू क्या होगी, जितना भी लाभ या हानि परसेंट है x की वैल्यू हो जाएगी, यानी x की वैल्यू होगी 10, तो 10 × 10/100 कर देंगे, तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर दो तो कितना हो जाएगा, 1% की हानि हो जाएगी। अब देखो परसेंट में हानि तो हमने निकाल दी, हमें दिया है कि 2 वस्तुएं 99 रुपए प्रति वस्तु की दर से बेचता है, यानी एक वस्तु का मूल्य होगा 99 रुपए, तो 2 का मूल्य कितना होगा 99 + 99, ठीक है, यानी कितना हो जाएगा 198, तो टोटल सेलिंग प्राइस हमने निकाल दी कितनी है 198 है, और हमें ये दिया है कि 1% की हानि होती है। इसका मतलब अगर मुझे कॉस्ट प्राइस निकालनी है तो 1% की हानि का मतलब 99/100 होगा, तो अगर मुझे कॉस्ट प्राइस निकालनी है, मुझे सेलिंग प्राइस दी है, तो मैं इसका क्या कर दूंगा,
198 इंटू, इसका उल्टा कर दूंगा यानी इसका निकाल दूंगा 100/99, तो इसको काट दो, यहाँ पे होगा 2 और 100 का गुणा इसके साथ में यानी 200। तो सेलिंग प्राइस है 198 और कॉस्ट प्राइस है 200, तो कितने की हानि हो रही है उसको, 2 रुपये की हानि हो रही है, और यही मुझे निकालना है। इसका मतलब कौन सा हमारा आंसर होगा, बी वाला हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। अब देखो इसमें अगला क्वेश्चन क्या दिया है, एक व्यापारी किसी वस्तु को उसकी लागत में 10% वृद्धि करके बेचता है, इसके बाद वह इसके मूल्य में 10% की कमी कर देता है, तो उक्त व्यवसाय में व्यापारी को प्राप्त होता है, देखो उसको लाभ प्राप्त होगा या हानि, ये हमें निकालना है। देखो हमें स्टार्टिंग में दिया है जो व्यापारी है वो लागत में 10% की वृद्धि करके किसी सामान को बेचता है, तो मान लीजिए जो लागत है, जो कॉस्ट प्राइस है वो 100 रुपये है, तो जो सेलिंग प्राइस होगी वो कितनी हो जाएगी, 10% की वृद्धि मतलब 110 रुपये हो जाएगी। आगे दिया है इसके बाद वह इसके मूल्य में, देखो जब वो 110 रुपये में बेचता है उसके बाद वो उसमें 10% की कमी करता है, यानी 100 में माइनस करेंगे तो लॉस कितना हो जाएगा, 90/100 हो जाएगा। तो अब कितने में बेचेगा वो, 110 का मैं सीधे क्या निकाल दूंगा, 90/100 निकाल दूंगा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, तो 11/99, यानी अब वो 99 रुपये में बेचेगा। अब देखो उसको लाभ होगा कि हानि होगी, देखो जो कॉस्ट प्राइस है वो है 100 रुपये और अब जो सेलिंग प्राइस है वो है 99 रुपीज़, तो क्या होता है उसको, लॉस होता है। कितने का लॉस होता है, तो लाभ और हानि के लिए दोनों संख्याओं का डिफरेंस लेते हैं, तो इन दोनों का डिफरेंस कितने का आ रहा है, 1 का डिफरेंस आ रहा है, और किस पे निकालते हैं, कॉस्ट प्राइस पे, तो बटे में हो जाएगा 100 और प्रतिशत निकालना है तो गुणा कर देंगे 100 से, तो इससे ये कैंसिल यानी 1% का उसको लॉस हो रहा है। इसका मतलब कौन सा हमारा आंसर होगा, बी वाला हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। अब देखो इसमें अगला क्वेश्चन क्या दिया है, किसी वस्तु को बेचने पर एक व्यक्ति को उसके विक्रय मूल्य के 25% के बराबर लाभ होता है, तो उसका लाभ प्रतिशत कितना है, ये हमें निकालना है। अब देखो इसमें स्टार्टिंग में क्या दिया है कि किसी वस्तु को बेचने पर एक व्यक्ति को उसके विक्रय मूल्य के 25% के बराबर लाभ होता है, सेलिंग प्राइस के 25%, तो इसका 25% निकाल दो, प्रतिशत मतलब बटे में 100 के बराबर लाभ होता है, यानी इसके बराबर प्रॉफिट कर दो। ठीक है, तो इसको 25 से काटेंगे, यहाँ पे होगा 4, तो 4 का गुणा यहाँ कर दो, तो सेलिंग प्राइस बराबर हो जाएगा 4 × प्रॉफिट, तो सेलिंग प्राइस इस पे आएगी, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 मानते हैं, प्रॉफिट इस पे आएगा, यानी सेलिंग प्राइस अगर 4 होगी तो प्रॉफिट होगा 1, तो सेलिंग प्राइस मुझे पता है, प्रॉफिट मुझे पता है, तो कॉस्ट प्राइस कैसे निकालते हैं, सेलिंग प्राइस माइनस प्रॉफिट, यानी 4 - 1 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो हमें क्या निकालना है, उसका लाभ प्रतिशत निकालना है, तो लाभ प्रतिशत कैसे निकालेंगे, देखो सेलिंग प्राइस हमारे पास है, कॉस्ट प्राइस भी हमारे पास है, तो लाभ और हानि के लिए दोनों का डिफरेंस लेते हैं, 1 का डिफरेंस आ रहा है, किस पे निकालते हैं, कॉस्ट प्राइस पे निकालते हैं, और प्रतिशत के लिए गुणा कर देंगे 100 से, तो कितना हो जाएगा ये, 33/1/3%, यानी कौन सा हमारा आंसर हो जाएगा, डी वाला हमारा आंसर होगा। ठीक है, या इसको दूसरे तरीके से कैसे सॉल्व करेंगे, देखो अगर मैं सेलिंग प्राइस 100 रुपये मानता हूँ, सेलिंग प्राइस अगर मैं 100 रुपये मानता हूँ, तो इसमें दिया है कि विक्रय मूल्य के 25% के बराबर लाभ होता है, तो 100 का 25% कितना हो जाएगा, 25 रुपये, यानी प्रॉफिट होगा 25 रुपये का, तो सेलिंग प्राइस मुझे पता है, प्रॉफिट मुझे पता है, तो कॉस्ट प्राइस कैसे निकालते हैं, सेलिंग प्राइस माइनस प्रॉफिट, यानी कॉस्ट प्राइस होगी 75 रुपये। ठीक है, और मुझे लाभ परसेंट निकालना है, तो क्या करेंगे, दोनों संख्याओं का डिफरेंस लेते हैं, 25 का डिफरेंस आ रहा है, बटे में कॉस्ट प्राइस है 75 और प्रतिशत निकालना है, तो गुणा कर देंगे 100 से, तो 25 से काट दो, यहाँ पे होगा 3, इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से भी आएगा 33/1/3%, तो इस प्रकार से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, इसी प्रकार से देखो इसमें अगला क्वेश्चन क्या दिया है, किसी व्यापारी ने अपने 3/4 माल को 20% लाभ पर तथा शेष को क्रय मूल्य पर ही बेच दिया, तो इस संपूर्ण माल की बिक्री में उसे कितने प्रतिशत का लाभ मिला, ये हमें निकालना है। अब देखो मान लीजिए उसके पास जो टोटल माल था वो 100 यूनिट था, ठीक है, 100 यूनिट यानी कुछ भी हो सकता है, और 1 यूनिट का मूल्य 1 रुपये है, तो 100 यूनिट का मूल्य कितना हो जाएगा, 100 रुपये हो जाएगा। ठीक है, और इसमें दिया है कि 3/4 माल को, 3/4 माल को 20% लाभ पर बेच दिया, तो 100 का 3/4 कितना होगा, 3/4 मतलब 3/4, ठीक है, इसको 20% लाभ पर बेच दिया, तो इसका सीधे 120% निकाल दो, यानी इतने में बेचा होगा उसने 3/4 माल को, 3/4 का मतलब इसको इससे काट दो, यानी 25 और 25 से 75, यानी टोटल 75 को बेचा उसने इतने रुपए में, तो 75 तो उसने बेच दिया, बचा कितना, 100 में से माइनस करेंगे यानी 25 बचा। ठीक है, और इसमें दिया है कि शेष को क्रय मूल्य पर ही बेच दिया,
और कॉस्ट प्राइस मैंने क्या मानी है, एक यूनिट का मूल्य मैंने 1 रुपये माना है, तो 25 का मूल्य 25 रुपये हो जाएगा। तो टोटल कितने में बेचा होगा उसने, सबसे पहले इसको सॉल्व कर दो। तो इसको मैं 25 से काटूंगा, 2500 को 100, 25 से 75, 4 से इसको काट दो तो यहाँ पे होगा 30। तो 3 × 30 कितना होगा, 3 × 3 = 9, यानी 90 रुपये ये हो रहा है, और प्लस में 7 में 25 रुपये ये है, तो टोटल कितना हो रहा है, ये 115 रुपये हो रहा है। तो टोटल सेलिंग प्राइस हमने निकाल दी 115, और कॉस्ट प्राइस हमारे पास पहले से ही मौजूद है, कितना है, 100 रुपये हमने माना है। तो मुझे क्या निकालना है, लाभ या हानि प्रतिशत निकालना है, तो उसके लिए दोनों संख्याओं का डिफरेंस लेंगे, ठीक है। कितने का आ रहा है, 15 का आ रहा है, किस पे निकालते हैं, कॉस्ट प्राइस पे, तो बटे में हो जाएगा 100, और प्रतिशत के लिए गुणा कर देंगे 100 से, तो इससे ये कैंसिल, यानी 15% का उसको लाभ हो रहा है। इसका मतलब कौन सा हमारा आंसर होगा, डी वाला हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हम इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। तो अब इसके जो बाकी के क्वेश्चन हैं वो हम अगली वीडियो में कवर करेंगे। तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं आपसे इसके अगले पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।